बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जीवन साहब आपने की, आपके चीफ सेक्रेटरी ने, एंड वेरी मीनिंगफुल। और मैं समझता हूँ कि ये अगर रोड मैप जो आपने बनाया है इसके ऊपर आप अमल कर लेंगे तो बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जहाँ तक काइनेटिक का जो हमारा जो है मामला, वो द चीफ आर्मी स्टाफ इज सिटिंग हियर विद हिज यू नो जनरल ऑफिसर्स एंड वी आर ऑल हैविंग दिस आयरन रिजॉल्व कि हमने इंशाल्लाह काइनेटिक महाज पे पूरी तरह हमने उसको जस्तजू करनी है और इनका सफाया करेंगे। और इसमें देखिए, ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए, ये इसको हम आसान बना लें इस बात को कि जो दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अजाइम को, नापाक अजाइम को खाक में मिलाना हम सब का एक मिली हमारा सियासी और दीनी फ़र्ज है। सिर्फ इतनी बात है कि जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। बट वी मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका खात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुजीर है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत से जो आपने आज जो हमें जो आपकी खिदमत करनी है उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, उसमें बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस कर लें एंड देन टेक डिसीजंस एंड देन इम्प्लीमेंट देम स्पीडली। तीसरी बात जो है, यहाँ पर ऑफिसर्स का काबिल होनहार एनर्जेटिक ऑफिसर्स का होना, चाहे वो सिविल सर्विस के हैं चाहे वो पुलिस सर्विस के हैं, उनका होना, मौजूद होना अपनी जगहों पर, ज़िलों में, तहसीलों में, डिविजन में इंतहाई ज़रूरी है। एक अनफॉर्चुनेटली एक रविश है कि बलूचिस्तान से आने से कुतराते हैं और बहाने बनाते हैं। उसके हवाले से हमने जब से ये वाकया हुआ हमने डिस्कस किया और इंटीरियर मिनिस्टर से भी बात हुई और मैंने भी इसके ऊपर बात की है, चीफ से भी इस डिस्कशन हुई, तो एक हमने एक पॉलिसी बनाई है और फिर वो पॉलिसी के ऊपर जब अमल होगा तो देन देर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़, ना आप करेंगे ना हम करेंगे बिल्कुल, वगैरह वो पॉलिसी फिर खुदा ना खास्ता फेल हो जाएगी कि जी इस बंदे को रहने दे, इसको ले आए, इसको वापस भेज, ये नहीं होगा। इसके ऊपर अगर हम यकसू हैं, इफ़ यू आर ऑन वन पेज, तो उस पॉलिसी को मैं यहाँ पर अभी अनाउंस करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जो 48th कॉमन के जो ऑफिसर्स जो हैं, सिविल ऑफिसर, अब देखें ना, आईजी साहब अंसारी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, बैठे हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अब हमने कोशिश की कि इन जैसे अच्छे ऑफिसर्स आ जाएं, मगर देयर वाज सम रिलक्टेंस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, तो वी हैड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर। यहाँ पर ये पॉलिसी जो होगी, ये 48th कॉमन के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे और उनकी जो हमने तरतीब बनाई है मैं वो यहाँ पर ज़रा बताना चाहता हूँ, अलॉन्ग विद एन इंसेंटिव पॉलिसी, ताकि इंसेंटिव हो कि बलूचिस्तान जा रहे हैं तो वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर आर गुड डीड्स। तो वो पॉलिसी है कि हाफ ऑफ द ऑफिसर्स फ्रॉम द 48th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बोथ पुलिस एंड सिविल साइड विल बी पोस्टेड टू बलूचिस्तान इमीडिएटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year. Number 2, the remaining half of the officers from the 48th group will be posted to Balochistan 6 months from the initial deployment. They will also serve for a period of 1 year. Phir number 3 phase hai, after 1 year, the first half of the officers from the 49th common group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. Phase 4, after 1.5 years, the remaining half of the officers from the 49th group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. ये हमने फैसला किया है फेडरल गवर्नमेंट में और इनके लिए हमने जो इंसेंटिव ये बनाया है
the officers posted under the policy I've just mentioned will be given 4 air tickets for travel of the families for every quarter. This will be monetized. Number 2, these officers may be given 3 extra points in their performance evaluation report, subject to their commitment and their service in the province of Baluchistan. And if they are found really very agile and very committed, unko hum ye 3 extra points unko hum denge. ये पॉलिसी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ. इसके ऊपर इंशाल्लाह हम फिल फॉर इसके ऊपर हम अमल करेंगे बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, मुशावत के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और आईजी पुलिस. जो तो ये पॉलिसी जो है नवाब साहब, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है. इसमें फिर देन देयर विल बी नो इफ एंड बट. तो इसको इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे, अपना इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बड़े दूरस और बड़े मस्बत नतायज होंगे इसके. इसके अलावा चमन बॉर्डर पे जो पासपोर्ट स्टाफ जो है उसको ऑलरेडी डबल कर दिया गया है. और डायरेक्टर साइबर बलूचिस्तान जो हैं उनकी तैनाती अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह यहाँ पर हो जाएगी. मैं खिताबन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें ये जो बात है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, सोशल प्रोग्राम लेके आए, इंतहाई ज़रूरी है, कोई शक नहीं. लेकिन मैं पहली मीटिंग में भी कह चुका हूँ, मैं फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर मामलात डेवलपमेंट की कमी का होता या कोई सेंस ऑफ डेप्रिवेशन की बात होती कि 27,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं. और मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आई थिंक इसका जिक्र करना अच्छा होगा फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री कि एनएफसी में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है 2010 के एनएफसी में वो दुगना कर दिया गया है. और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सूबा पंजाब ने की है. मैं वहाँ पर था, उसके पंजाब का खादम. और बड़ी खुशी से जब मैंने पंजाब असम्बली को ये बात सुनाई तो मुझे शायद एक अंदेशा था कि कुछ आवाज़ें उठेंगी. आप यकीन करें कि सब ने कहा कि वज़ीर आला बहुत अच्छा काम किया. तो वो जो फंड्स अलोन, वो जो एडिशनलिटी है, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब का जो हिस्सा 11 बिलियन वो तकरीबन 160 अरब बनता है इन 14 सालों में. पूरे पाकिस्तान में शफाफियत वही होनी चाहिए जो इनके इदारे का मैार है. और मैं समझता हूँ कि हम अपने ताई नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब में वफाक में हमने किया, बाकी हुकूमतें भी डेफिनेटली उन्होंने किया है. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसी शफाफियत को जिसको झंडा उठाकर वज़ीर आला चले हैं, मुझे बड़ी खुशी है, तो आप यहाँ पर खुशहाली का, तरक्की का इनकलाब ला सकते हैं. मुझे कोई शक नहीं, प्रोवाइडेड कि वो जो फंड्स की जो तरसील के साथ उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तो वो उसमें अगर आप लेके आएंगे चेक इन बैलेंस, थर्ड पार्टी ऑडिट, सुपरविजन, जिस तरह आपका एक विजन है, बहुत अच्छी बात है. मैं समझता हूँ इससे, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या केपी के बाद हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ा एक दुश्मनान है पाकिस्तान का, जो नहीं चाहते कि सी पैक का मनसूबा चले, जो पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के आड़े आना चाहते हैं, उसमें दे वांट टू क्रिएट बॉटलनेक्स. और उसके लिए उनको अब गवादर पोर्ट एक बेहतरीन मंसूबा है पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का. लेकिन जिस तरह गवादर को फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को जो ये हमले कर रहे हैं, जो धरने कर रहे हैं, अगर उनको खुशहाली से उनको अगर फिक्र होती तो गवादर तो एक बेहतरीन मंसूबा है. मैंने वफाक में ये अपना पिछली हुकूमत में भी जो हमारी 16 महीने की थी, आज फिर इस मरतबा मैंने रिट्वीट किया है कि 50% जो पब्लिक सेक्टर में जो इम्पोर्ट्स होती हैं, चाहे वो
आपका फर्टिलाइज़र है या जो भी है इम्पोर्ट्स होती हैं वो ग्वादर पोर्ट से होंगी, ताकि ग्वादर पोर्ट ऑपरेशन हो, यहाँ पर लोगों को, वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनको जॉब्स बने, वहाँ पर ट्रक्स लोड करेंगे, अनलोड होगा माल जो आता है, फिर पूरे खत्ते में उसकी जो अपना एक रीजनल प्रॉस्पेरिटी होगी उसका कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनको फोकस कर रहे हैं इसलिए क्यों कि चाइना पाकिस्तान सी पैक। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी मामला है और इसके लिए हमें पूरी तरह यकसू रहने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो दोस्त नुमा दुश्मन जो घुस बैठी हैं उनका खात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शह दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाल्लाह खाक में मिलेंगे। और जिस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ ख़त्म कि जिस तरह हमारे 80,000 लोगों ने अपना कुर्बानियाँ दी, 80,000, 150 अरब डॉलर का हमें माशी नुकसान पहुँचा, और हमें जो जो कुछ हुआ माजी में सिर्फ 20 अरब डॉलर में मिला है, 20 अरब डॉलर। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान के आवाम की, ये कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान के अफसरों की, जवानों की, ये कुर्बानियाँ पुलिस अफसरों की, उनके जवानों की, आम आदमी की, इसने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया, भी इन्होंने अमन कायम किया था। कोई मिसाल बता दें दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क है जिसने 80,000 कुर्बानियाँ दी हों अपने अजीम सपूतों की, माओ की, बहनों की, जवानों की, और 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया हो, और न सिर्फ पाकिस्तान में अमन कायम किया बल्कि दुनिया के लिए भी अमन कायम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी की और देयर इज़ नो अदर एग्जाम्पल एंड आर कमिटमेंट एंड मैनिफेस्टेशन टू कर्ब एंड फिनिश। तो आज फिर ये मामला, ये कई वजूहात हैं उसके ऊपर मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग्स बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बड़ी मस्बत उसमें नतायज निकले हैं, और यही पैगाम हमने कौम को देना है कि मिलकर हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, और ये आयरन रिजॉल्व है सियासी हुकूमत का वफाक में, सूबों में, और अफवाज पाकिस्तान का, और इंसिफा सलार का, और इनके तमाम ऑफिसर्स का। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन आएंगे जब पाकिस्तान एक पुरमन और खुशहाल मुल्क होगा। आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।